हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडी अपडेट। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनमेट एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जिसके नोटिफिकेशंस जस्ट अभी आउट हो चुके हैं और इसका रजिस्ट्रेशन 14th of September से शुरू होने वाला है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके टाइमलाइंस, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, देन उसके रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट प्रोसेस के बारे में, उस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न्स और टॉप कॉलेजेस उस एग्जाम को देने से कौन कौन से मिल सकते हैं उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप एक चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट डेट्स से ही। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 14th of September, दैट इज़ मंडे से शुरू होने वाला है और 20th of November तक ये चलने वाला है, जो कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आपका, अगर आपने उस बीच में रजिस्ट्रेशन कर लिए तो ठीक है, वरना लेट रजिस्ट्रेशन फिर 21st of November से शुरू होकर 30th of November तक के वो रजिस्ट्रेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा, जिसके लिए आपको अलग एडिशनली थोड़ा सा अमाउंट भी पे करना होगा। सारे अमाउंट्स के बारे में हम लोग इसके बाद में डिस्कस करते हैं, तो पहले हम लोग डेट्स देख लेते हैं। सो आपको लेट रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है 21st of November से लेकर 30th of November तक के। देन शेड्यूलिंग, और जो फर्स्ट शेड्यूलिंग रहेगी उसके अंदर में आपका रहेगा 14th of September से लेकर 2nd of December तक के। आप कभी भी फर्स्ट शेड्यूलिंग में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर अगर आपको रीशेड्यूल करना रहा तो फिर आप 14th September से लेकर 17th January के बीच में आप कभी भी एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर सकते हो। देन एग्ज़ाम डिलीवरी का डेट्स रहेगा 4th November से लेकर 13th January तक के। सो आप इस डेट्स के बीच में आप कभी भी आप अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में री रजिस्ट्रेशन रहेगा, रीटेक रहेगा, तो वो उसका डेट्स है 5th November से लेकर 17th January तक के। तो इसके अंदर ये हमारा एक बेनिफिट है कि जो 29th of November को हमारा कैट होने वाला है, अगर कैट भी एग्ज़ाम्स हमारा अच्छा नहीं गया तो उस हिसाब से हम लोग फिर एनमेट के अंदर हम लोग कवर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये एग्ज़ाम का एक ही सबसे अच्छा फ़ायदा रहता है कि हम लोग के अंदर इसके अंदर हम लोग को 3 टेक्स मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और बेस्ट ऑफ द वन जो तीनों में से सबसे अच्छा स्कोर रहता है उसको हम लोगों का वो स्कोर हमारा कंसिडर किया जाता है। तो इसके अंदर हमारा ऐसा है कि फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा ख़राब भी गया तो हम लोग सेकेंड एग्ज़ाम में हम लोग कवर करने की कोशिश तुरंत ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम डिलीवरी डेट यहाँ पे 4th November से लेकर 30th November दिया हुआ है। फिर री रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे डेट्स दी हुई है, जो कि है 5th November से लेकर 17th January तक के। और रीटेक शेड्यूलिंग के लिए यहाँ पे डेट्स दी रखी हुई है 5th November से लेकर 17th November, जो कि सेम है। सो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी रखी है यहाँ पे। सो ये डेट्स को ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज यही आपको आखिरी तक याद रख के आपको इसी तरीके से अपने री एग्ज़ाम्स देते रहने हैं। तो चलिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कि जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके अंदर 50% आपका एग्रीगेशन रहना चाहिए, 50% और अबव का आपके पास में स्कोर होना चाहिए। अगर हम लोग अपियरिंग कैंडिडेट्स देखते हैं तो कैंडिडेट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। सो इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं रहती है और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में क्लियर मेंशन किया है कि देर इज़ नो एज लिमिट। देन वर्क एक्सपीरियंस के लिए बताया गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। सो द स्टूडेंट्स हु हैविंग अ वर्क एक्स कैन ऑल्सो अप्लाई। If we'll check the notification, then note it is there. If any candidate is found ineligible at any of the admission stage, that candidate will be disqualified for any further process. So, ये ऊपर का eligibility criteria, अगर कोई भी ऐसा student पाया जाता है further stage के दौरान में कि ये student eligibility criteria में नहीं बैठता है तो उसे तुरंत ही disqualify कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब registration process के बारे में। registration की process इसके अंदर 6 steps की होती है। अभी registration start नहीं हुआ है, 14th of September से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको उसका फॉर्म किस तरीके से कम्प्लीटली फिल किया जाता है सही से विदाउट एनी मिस्टेक्स, वो भी मैं आपको बता दूंगा तुरंत ही। उसका भी मैं एक वीडियो क्रिएट कर लूँगा। सो अभी आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो कि 6 stages में रहता है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला जाता है, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाला जाता है, देन एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, देन स्कूल प्रेफरेंस, देन पेरेंट डिटेल्स, और आखिरी में आपको आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। एक बार आपने ये सारे भी उसके स्टेजेस पार, आपने उसके फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी होती है। सो इस तरीके से सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको मैं जो वीडियो बनाऊँगा
बताऊंगा उसके अंदर आपको सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के फ़ीस की। जो ये एग्ज़ाम होने वाली है उसकी फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, आपको फर्स्ट टाइम आप जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसका आपको चार्ज लगेगा 2000 रुपीज़, जो कि आप विद इन जो अगर डेडलाइन के अंदर ही कर लेते हो तो आपको 2000 लगेगा। अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करते हो आफ्टर डेडलाइन सो वो आपको 2500 रुपीज़ लगेगा प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। सो ये जो 2500 है उसके साथ साथ में आपको टैक्सेस भी पे करने होंगे जो भी इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। सो 500 आपको एक्स्ट्रा लगेगा लेट चार्जेस एज एन। अगर आप रीटेक देना चाहते हो किसी एग्ज़ाम को तो वापस से आपको 2000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम है वो आपने शेड्यूल कर रखी है बट उसको रीशेड्यूल करना है तो उसको आपको 1100 रुपीज़ पे करना होगा और उसके साथ साथ में जो भी टैक्सेस लगेंगे वो। अगर हम लोग बात करते हैं रिक्वेस्टिंग फॉर सेंडिंग एन मेट स्कोर्स टू बी स्कूल फॉर अदर देन फाइव फर्स्ट फाइव, तो फिर इसके लिए आपको ईच बी स्कूल के लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसके अंदर में आपको ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन फिल कर देना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको भेजा जाता है, भेजना चाहते हो। इसके बाद में अगर हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। टोटल क्वेश्चन अभी तक के होते आ रहे थे 120 क्वेश्चन रहते थे और 120 मिनट्स में सॉल्व करना होता था, जिसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। बट इस साल थोड़ा मेजर चेंज आ चुका है, जिसके अंदर में आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जो 120 क्वेश्चन पहले होते थे अब वो चेंज होकर 108 क्वेश्चन हो गए हैं। सो इसके अंदर हमारा कट ऑफ में भी थोड़ा सा हमें सहूलत मिलेगी, जो कि 210 के करीबन जाता था हमारा कट ऑफ, सो अभी जाके 200 तक चले जाएगा इसका कट ऑफ। सो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। पहले मार्क्स का डिवाइड क्वेश्चन का डिवाइड अलग होता था, पहले लैंग्वेज स्किल 32 क्वेश्चन रहते थे, देन क्वान्टिटेटिव स्किल्स 40 क्वेश्चन रहते थे और लॉजिकल रीजनिंग 48 रहते थे। सो इस तरीके से टोटल मिला के 120 क्वेश्चन हो जाते थे ऑल टुगेदर, मीन्स लैंग्वेज स्किल देन क्वांट्स देन एलआर। सो ये तीनों को मिला के 120 क्वेश्चन होते थे, बट अभी ये कम्प्लीटली चेंज होकर 36 36 36 कर दिया गया है और ओवरऑल क्वेश्चन कर दिए गए हैं 108 और टाइम दिया है आपको 120 मिनट्स का। सो बेस्ट चीज़ यही है कि इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो आपको आसानी से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। और चलिए चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ये वाला एग्ज़ाम देने के बाद में हम कौन कौन से कॉलेजेस हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किया और टॉप के कॉलेजेस जो कि हमें ये वाले एग्जामिनेशन देने से हम इस कॉलेजेस के इन कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में है, देन इसके सेवरल ब्रांचेस भी हैं। सो मुंबई का कैंपस यहाँ पे मेन कैंपस है नरसिंह मुंजी का, सो हम लोग इसके लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है SP जैन कॉलेज, देन जेवियर्स, देन तापमी मणिपाल एंड जयपुर कैंपस, देन IBS दैट इज इस्फाई बिजनेस स्कूल हैदराबाद का, देन VIT वेल्लोर। सो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में जिसमें हम लोग क्वालिफाई हो सकते हैं NMAT का एग्ज़ाम देने से। सो इस तरीके से कुछ कॉलेजेस है और अदर देन दैट 100+ कॉलेजेस ऑलरेडी देयर हु आर गोइंग टू एक्सेप्ट NMAT स्कोर्स लाइक दे आर एक्सेप्टिंग फॉर ईच ईयर्स। सो इस तरीके के कोई कॉलेजेस हैं और ये सारा डिटेल है हमारे NMAT के रिगार्डिंग। अब आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आते रहें। और जल्दी ही मैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो देखना जरूर मत भूलिएगा ताकि आप आसानी से ही उसे रजिस्ट्रेशन कर पाओ विदाउट एनी हिंड्रेंस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।